हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांबरी शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। जैसा कि अभी लास्ट वीडियो आप लोगों ने हमारी देखी थी, दैट इज़ फ्रॉम अपेरल डिज़ाइनिंग, जो कि हमारा NTA UGC नेट JRF 2020 होम साइंस के लिए फोर्थ यूनिट है। इसी के ऊपर आज हम 100 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। इसके अंदर हमने पर्टिकुलर आपके टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए हैं और इजी से लेके मॉडरेट और उसके बाद डिफ़िकल्ट तक सारे क्वेश्चंस इसके अंदर मर्ज हैं। लेकिन ये मत कहिएगा या ये मत करिएगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है इसलिए हमें आते हैं ये, बिकॉज आप अगर देखेंगे कलर के क्वेश्चंस आते हैं, लाइन के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, या हमारा बेसिक अपेरल गारमेंट फैशन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अंदर कन्फ्यूज़न बहुत होती है। सो अगर आप इन क्वेश्चंस को साथ के साथ अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहां पर आपका वो लैक है, क्योंकि दो क्वेश्चंस इसमें से आते ही आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज द आउटलाइन ऑफ द होल गारमेंट। ऑलरेडी हमने बताया कि आउटलाइन किसको बोलते हैं हम, सिल्वेट्स को, ड्रेस को, शूज को या एक्सेसरीज को। सो आप पॉज करके भी अपना आंसर दे सकते हैं और अपने आप को यहाँ पर इवेल्यूएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जनरल क्वेश्चंस लेके आए हैं हम। सो आपका आंसर है सिल्वेट्स को, बिकॉज सिल्वेट्स क्या होती है, आउटलाइन होती है हमारी होल ड्रेस की, जो एक डिस्टेंस से हम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ डिज़ाइन डिटेल। डिज़ाइन डिटेल कौन सी होती है हमारी, शूज़, मेकअप, एक्सेसरीज या कॉलर्स। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आपके गारमेंट की बात हो रही है, तो गारमेंट के अंदर क्या चीज़ आती है हमारी, कॉलर्स लाई करते हैं। डैश सिल्वेट्स हैव फुल बर्स्ट, स्मॉल वेस्ट एंड वाइड हिप। कौन सा होता है, आप इस शेप को बनाइए जिसके अंदर बर्स्ट फुल हो, वेस्ट कम हो और हिप्स आपके वाइड हो। तो दिमाग में क्या आता है आपका, आर ग्लास। अब आर ग्लास एक और चीज़ डिफाइन करती है, दैट इज़ फेमिनिटी। हमारी आइडल जो फिगर, फीमेल फिगर होती है, वो हमारी आर ग्लास शेप की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन्स कैन बी क्रिएटेड बाय एडिंग कंस्ट्रक्शन डिटेल्स लाइक। अगर हमें अपनी कपड़े के ऊपर, अपने गारमेंट के ऊपर लाइन्स को कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमें किस तरह, क्या चीज़ इसमें से यूज़ करनी होगी, प्रिंट्स को, प्लीट्स को, फैब्रिक को या फर को। तो डेफिनेटली हमें प्लीट्स को यूज़ करना होगा, अगर हम प्लीट्स बनाएंगे तो उसमें लाइन्स डल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन्स मेक लुक्स नैरोअर एंड थिनर। कौन सी लाइन्स हमें नैरो, पतला और थिन दिखाती है, हॉरिजॉन्टल, zigzag, वर्टिकल या curved। सो हमें पता है वर्टिकल लाइंस हमारी कैसे दिखाती है, अगर लेंथ वाइज आपकी लाइन हो, सीधी आपकी लाइंस हो, तो वो आपको नैरो और थिनर दिखाएंगी। डैश लाइंस लीड द आई फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अगर हमें एक तरफ से दूसरी तरफ अपनी आँख को लेके जाना हो, आईज को लेके जाएं, तो कौन सी लाइंस होंगी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, zigzag या curved। सो यहाँ हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, वही आपकी आपके लेटी हुई लाइंस भी आप जिसको बोलते हैं, क्लियर, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट है, बेल्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश लाइन्स। बेल्ट आपको पता है कैसी होती है, लेटी हुई आकार में बेल्ट होती है, तो इसलिए कौन सा एग्जाम्पल हुआ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, zigzag और कर्व्ड। सो हमें पता है हॉरिजॉन्टल का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन्स आर एसोसिएटेड विद मूवमेंट एंड एनर्जी। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को बिल्कुल मिलते हैं, क्या आपकी लाइन्स कौन सी जो मूवमेंट देती है और एनर्जी देती है, हॉरिजॉन्टल, डायगनल, वर्टिकल या स्ट्रेट। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप तिरछी रेखाओं को देखते हैं, स्लांटिंग लाइंस को देखते हैं, डायगनल लाइंस को देखते हैं, तो उसके अंदर एक मूवमेंट होती है, आप देखते देखते ये लगेगा कि जैसे वो लाइंस चल रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, zigzag लाइंस आर अ सीरीज ऑफ कनेक्शन। अगर हम zigzag लाइंस को आपस में कनेक्ट करें, एक सीरीज बनाए, तो कौन सी लाइंस हमारी बनती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगनल या स्ट्रेट। सो वी नो दैट डायगनल लाइंस है ना, हमारी zigzag लाइंस को हम बनाते मिलाते रहें तो क्या होगा, वो तिरछी स्लांटिंग लाइंस बनेगी, डायगनल लाइंस बनेगी। द लाइंस प्रोवाइड जर्की एंड एब्रप्ट मूवमेंट। ऐसी कौन सी जो जर्क वाली है, एब्रप्ट मूवमेंट कौन सी देती है हमें, हमें पता है zigzag, zigzag के अंदर होता है ना वो कट 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 करके, इस तरह से आपकी जैसे पिंकिंग शियर होती है, जो आपकी होती है ना सेरीगेटेड, जिसके अंदर आपके एजेस होते हैं, तो उस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द गारमेंट दैट अट्रैक्ट आर अटेंशन। आप एक दुकान से जा रहे हो, आप दुकान के बाहर से जा रहे हो, तो सबसे पहला एलिमेंट, पहली कैसी चीज़ होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है किसी भी पर्टिकुलर गारमेंट के लिए, उसका लाइन, उसका टेक्सचर, उसकी यूनिटी या उसका कलर। डेफिनेटली दूर से उसका कलर आपको अच्छा लगेगा, तब आप उसको देखने के लिए आगे जाएंगे, बाकी एलिमेंट्स हम बाद में देखते हैं। डैश इज़ वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ कलर। तो हम अगर आप याद करो, डायमेंशंस ऑफ कलर मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था, क्या बताया था, कितनी डायमेंशंस होती है, तीन। क्या होती है, ह्यू, इंटेंसिटी और वैल्यू। सो आंसर इज ह्यू। ह्यू क्या होता है हमारा, ह्यू कलर को भी हम ह्यू बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर टू द ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ कलर. अब कोई भी चीज ब्राइट और डल, ये भी क्या है, हमारे डायमेंशंस ऑफ कलर है. तो क्या होगा, ह्यू, इंटेंसिटी, वैल्यू या कलर. देखो ह्यू और कलर तो सेम हो गया, अब इंटेंसिटी या वैल्यू में से हमारा आंसर होगा. तो आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी इस क्वेश्चन को, इन तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं. सो ब्राइटनेस और डलनेस हमारी कहाँ आई थी, इंटेंसिटी के अंदर हमारी ब्राइटनेस और डलनेस आई थी. ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं कि क्या चीज़ डिग्री ऑफ लाइटनेस और डार्कनेस लेके आती है, ह्यू, इंटेंसिटी, वैल्यू या न्यूट्रल, तो हमें पता है इंटेंसिटी का ऑपोजिट दैट इज वैल्यू, हमारी डिग्री ऑफ लाइटनेस और डार्कनेस लेके आती है. इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप कन्फ्यूज मत होइएगा, आप किसी एक को याद कर लो, या तो ब्राइटनेस डलनेस को याद कर लो या फिर लाइटनेस डार्कनेस को याद कर लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इंटेंसिटी और वैल्यू में से कौन सा आपका ऑप्शन में लाई करेगा. देन आपका क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे हम, एडिशन ऑफ ब्लैक टू एनी कलर प्रोड्यूस. अगर आप काले रंग को, ब्लैक कलर को किसी भी कलर के अंदर डाल देते हैं तो उससे शेड बनता है, टिंट बनता है, न्यूट्रल होता है, डल होता है. तो हमें पता है कि जैसे ब्लैक मतलब आपकी परछाई, हमारी परछाई होती है ना, तो परछाई क्या होती है, हमारी शेडो है ना, वो भी ब्लैक, ब्लैक हमारी शेडो पड़ती है, तो वो किसकी वजह से होती है, शेड की वजह से. अगर हम ऐड कर दे वाइट को किसी भी कलर के अंदर तो क्या आएगा, देखो शेड तो डेफिनेटली नहीं आएगा, डल भी वो डेफिनेटली नहीं होगा, न्यूट्रल होगा या टिंट होगा, तो हमें पता है कि वो उसके टिंट्स बन जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी कलर्स आर. अब देखो सबसे बेसिक चीज यहां पर, अब हम कलर्स की बात करेंगे, जो आपके बेसिक कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं, कौन से होते हैं. पहली बात तो तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो. नेक्स्ट, डैश कलर आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर. हमें पता है दो प्राइमरी कलर को मिला के हमने क्या बनाया था, सेकेंडरी कलर्स बनाए थे अपने. सो सेकेंडरी कलर इज आंसर. अ डैश कलर स्कीम यूजेज लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ अ कलर. अब कौन सी ऐसी कलर स्कीम थी जिसमें लाइटनेस और डार्कनेस की बात की थी, हमने की थी ना, एक ही एक ऐसी स्कीम थी जिसके अंदर हमने ह्यू, इंटेंसिटी और वैल्यू तीनों को इंक्लूड किया था. सो हमारा मोनोक्रोमेटिक, डाक्रोमेटिक, एनालोगस या स्प्लिट. सो वी नो मोनोक्रोमेटिक के अंदर ऐसा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील प्रोवाइड डैश कलर व्हील. अब कलर स्कीम, जब हमने कंबाइंड किया अलग अलग कलर्स को एक दूसरे के साथ कलर व्हील में, इसका मतलब कि आपस के कलर्स, आसपास के कलर्स थे वो, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स आया तो नेबरहुड कलर्स थे. अब ध्यान रखिए आप, नेबरहुड कलर्स हमारे किस में थे, मोनोक्रोमेटिक में तो थे नहीं, डायक्रोमेटिक में, स्प्लिट में. स्प्लिट आपको पता है कि वो अलग हो जाना, तो बीच में एक स्पेस आ गया, तो वो भी नहीं हो सकता. सो हमारा आंसर रहेगा एनालॉगस. कलर्स प्लेस ऑपोजिट. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो साथ साथ में चीजें बोल रही हूँ वो जस्ट आपकी मेमोरी के लिए, कि आप भी उसी तरीके से अगर क्वेश्चंस को समझेंगे, इन क्वेश्चंस को रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, बहुत इजी है. और इसमें से आपके दो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बट ऑप्शंस आपके इनमें से रिलेटेड आएंगे, जिसकी वजह से आप अपना क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो कलर्स placed opposite to each other on the color wheel. अब देख लिया यहाँ पर आपने opposite की बात कर दी, है ना, तो opposite हमने क्या बताया था, monochromatic, analogous, complementary या split complementary. कॉम्प्लीमेंट्री को ऑपोजिट बोलते हैं. द कलर वैन यूजेज विद द टू कलर्स ऑन ईच साइड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट. अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऑपोजिट हो गया, और कॉम्प्लीमेंट्री के साइडों वाले हमारे कौन से क्या कहलाएंगे, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे. तो देख रहे हैं यहां हम सारी कलर स्कीम्स की बात कर रहे हैं. थ्री कलर्स प्लेस इक्वल डिस्टेंस ऑन द कलर व्हील. अब तीन कलर्स हैं इक्वल डिस्टेंस पे हैं. क्या बताया था, एक आपका ट्रायंगल बन रहा था ना, यस ट्रायंगल बन रहा था. किस किस चीज का ट्रायंगल बनाया था हमने, प्राइमरी का अलग ट्रायंगल बनाया था, सेकेंडरी का अलग बनाया था, और इंटरमीडिएट के अलग ट्रायंगल बनाए थे. तो किसमें बनाए थे वो ट्रायंगल. तीन का मतलब क्या आएगा, हमारा ट्रेड. ट्रेड जो कलर स्कीम है वो हमारी इक्वल डिस्टेंस पे कलर व्हील पे कलर स्कीम्स को दिखाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर डैश डैश कलर्स आर एसोसिएटेड विद सन एंड फायर. अब देखो सन और फायर, याद करो हमने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसके अंदर सारे कलर्स बताए थे. दो चीजें बताई थी, एक तो हमारे कूल और वार्म कलर्स, और दूसरी हमने क्या चीज बताई थी कि कलर्स क्या क्या उनकी कलर्स की प्रेफरेंस होती है. जैसे वाइट है वो हमारा पीस का है, ग्रीन है वो हमारा किस चीज़ का है, हमारी हैप्पीनेस का है, और आपका ब्लैक है वो ग्रेव डेथ का है, रेड है आपका लव या फिर फायर या फिर एंगर का होता है. तो इसी तरीके से सन और फायर क्या है, कूल, हॉट, वार्म या ब्राइट. सो वी नो दैट इट इज़ वार्म कलर्स. डैश कलर्स आर एसोसिएटेड विद स्काई एंड सी. अब देखिए स्काई और सी में
क्या कौन सा कलर होता है आपका? व्हाइट और ब्लू के टोन्स होते हैं, तो कौन से कलर्स चाहिए हमारे? हॉट कलर, हॉट कूल, ब्राइट या वार्म? वी नो इट्स कूल कलर्स. डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सर्फेस अपियरेंस एंड फील ऑफ फैब्रिक. अब देखिए, सर्फेस अपियरेंस और फील हमने पढ़ा था ना, याद है आपको? एलिमेंट्स और हमारे प्रिंसिपल्स के अंदर हमने क्या चीज पढ़ी? टेक्सचर, एस्थेटिक्स, पैटर्न या प्रिंट. सो वी नो टेक्सचर जो होता है वो हमारा फील ऑफ फैब्रिक होता है, या उसको फील ऑफ हैंड भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फैब्रिक रिफ्लेक्ट लाइट, दे टेंड टू मेक बॉडी अपियर लार्ज. ऐसे कौन सा फैब्रिक होता है जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को और हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को बड़ा दिखाता है, लार्ज दिखाता है? डल, शाइनी, प्रिंटेड या कलर? सो वी नो शाइनी जो चीज होती है, हमने बात की थी ना सिल्क और साटन की, कि उसके ऊपर से सिल्की हमारा फैब्रिक ऐसा होता है, शाइनी हमारा फैब्रिक जो हमें लार्ज दिखाता है बॉडी को. डैश इज द स्टेट ऑफ इक्विब्रिलियम ऑफ डिजाइन पार्ट. इक्विब्रिलियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस. ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इक्विब्रिलियम का मतलब ही बैलेंस होता है. तो कहीं पर भी अगर आपका इक्विब्रिलियम वर्ड आता है तो वो बैलेंस से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं. सिस्टमैटिक बैलेंस को हम और किस नाम से जानते हैं? अब सिस्टमैटिक हमें पता है, हमने पढ़ा था सिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक, उसके साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? फॉर्मल, इनफॉर्मल. सो कैसा होगा? फॉर्मल, वर्टिकल, इनफॉर्मल या डायगोनल? वी नो सिस्टमैटिक इज अ फॉर्मल बैलेंस. असिस्टमैटिक बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, इनफॉर्मल बैलेंस. डैश इज एस्टैब्लिश थ्रू रिपीटेशन ऑफ लाइन, शेप, कलर टू गिव डायरेक्शन टू द आई टू फॉलो बाय द आई. अब क्या है कि मैं रिपीट कर रही हूँ लाइन्स को, शेप को, कलर को, एक ही डायरेक्शन में आई को बार बार मूव करके, तो वो मैं क्या प्रेजेंट कर रही हूँ? ये भी हमने यहाँ पर रिपीटेशन वाला पढ़ा था, रिपीटेशन ऑफ लाइन, शेप, कलर. कहाँ पढ़ा था? रिदम, हारमोनी, बैलेंस या यूनिटी के अंदर. तो हमने इसको रिदम के अंदर पढ़ा था. रिदम के अंदर हमारे तीन चीजें आई थी ना, रिपीटेशन आई थी, ग्रेडेशन आई थी और हमारी रेडिएशन आई थी. क्लियर? सो आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए, प्रीवियस जो हमने अपनी वीडियो की है उसमें जो बेसिक और जनरल चीजें हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए हमेशा थ्योरी दिमाग में रहनी चाहिए, उसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे. डैश इज द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट. बताइए कौन से में हमने सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लिया था? आपने वीडियो में देखा था ना, बोथ ही रेड, ब्लैक के ऊपर रेड बेल्ट थी और हमारी लेगो मटन स्लीव्स थी. किसमें थी वो हमारी? हारमोनी, एम्फोसाइज, कलर या यूनिटी? एम्फोसाइज के अंदर होता है सेंटर ऑफ इंटरेस्ट. डैश इन द ड्रेस रिलेट टू द टोटल लुक वेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन वर्क टूगेदर इन गारमेंट. तो क्या चीज होती है हमारी ड्रेस के अंदर जो ओवरऑल सारे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लेके चलती है, एक साथ काम करती है? एम्फोसाइज, हार्मनी, यूनिटी या बैलेंस? वी नो दैट इज हार्मनी. हमने पढ़ा था ना, सबसे पहला हमारा क्या था एलिमेंट हमारा डिजाइन का? दैट इज हार्मनी, है ना? तो हार्मनी लेके चलती है. डैश कैन क्रिएट द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट. क्या चीज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बनती है? स्टिच, लाइन, नेक टाई या सीम? अब देखिए, हमें पता है कि स्टिच जो है वो स्टिच लगाने वाली है, सीम भी हमारी, हमें पता है सीम सिलाई को बोलते हैं, लाइन हमें पता है लाइन. अब क्या होगा? नेक टाई, आपके गले में टाई हो अगर, तो वही तो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बनेगा ना. नेक्स्ट, डैश बैलेंस इज क्रिएटेड व्हेन द डिजाइन डिटेल मर्ज और रेडिएट फ्रॉम सेंट्रल फोकल पॉइंट. अभी हमने इस चीज को पॉइंट आउट किया, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं. किसका पार्ट है ये? हमारा रिदम का पार्ट है. रिदम में क्या चीज था? डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या रेडिएशन? तो सूरज की किरणों का एग्जांपल दिया था मैंने कि वो एक फोकस पॉइंट से सारी तरफ रेडिएट करती है, सो दैट इज रेडियल. द सेंस ऑफ कंप्लीट होलनेस एंड कोहेशन इज कॉल्ड. अब पूरा ऐसा हमारा कैसे सेंस कि कंप्लीट होलनेस है, एक साथ है कोई भी चीज, किस चीज को जस्टिफाई करेगी वो? डाइवर्सिटी, यूनिटी, एम्फोसाइज या बैलेंस? दैट इज आर यूनिटी. हमने आपको यूनिफॉर्म का एग्जांपल दिया था, है ना? तो यूनिटी मतलब हर चीज आपस में कोरिलेट करके एक प्रॉपर पैकेज बना रही है, दैट इज यूनिटी. डैश इज द फीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट. अब हमारी जो भी मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में है. बैलेंस है, एम्फोसाइज है, रिदम है या यूनिटी? दैट इज रिदम. हमारा ऑर्गेनाइज जब मूवमेंट भी हो रही है तो किस चीज की मूवमेंट हो रही है? याद करो, रिपीटेशन, ग्रेडिएशन एंड आर रेडिएशन. डैश रेफर टू द आउटर कंट्यूर एंड और शेप ऑफ द फैशन. तो आउटर कंट्यूर और शेप ऑफ द फैशन को क्या बोलेंगे हम? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बैलेंस, साइज, सिल्वर्ट्स या डाइवर्सिटी? दैट इज आर सिल्वर्ट्स.
लाइंस कैन बी क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्शन टेक्निक सच एज लाइंस हम किस कंस्ट्रक्शन टेक्निक से बना सकते हैं डार्ट एक्सेसरीज हैट या कट वी नो डार्ट हम डार्ट से हम लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं देन डैश एड द इल्यूजन ऑफ हाइट टू द ह्यूमन फिगर अब हमें ना किसी एक ह्यूमन फिगर के अंदर हाइट का इल्यूजन देना है तो उसमें कौन सी लाइन्स हमारी लगेगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिगजैग या फिर डायगनल लंबा दिखाना है किसी को तो हम वर्टिकल लाइन्स लेते हैं स्टैंडिंग लाइन्स बोलते हैं जिसको लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स बोलते हैं जिसको थ्री डायमेंशंस आर एनक्लोज्ड बाय अ सर्फेस इज कॉल्ड अगर तीन डायमेंशंस एनक्लोज्ड है सर्फेस के तो वो क्या बनाएगी शेप फॉर्म स्पेस या कलर वी नो फॉर्म बनाएगी एक पर्टिकुलर फॉर्म एक पर्टिकुलर आकृति बनाएगी क्लियर क्योंकि थ्री डायमेंशनल एरिया क्या होगा आपका किसी भी चीज का लेंथ विड्थ और आपकी थिकनेस डैश इज डिफाइंड एज फ्लैट टू डायमेंशनल एरिया एनक्लोज्ड बाय अ लाइन अभी हमने थ्री डायमेंशनल पढ़ लिया अब टू डायमेंशनल की बारी आ गई तो वो शेप देगी फॉर्म देगी कलर देगी या रिदम देगी वी नो दैट वो शेप देगी क्लियर एडजेसेंट ह्यूज आपने देखा होगा आपके क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज्यादा कोरिलेटेड हैं अगर एक जगह फॉर्मल पूछ रहा है तो दूसरी जगह इनफॉर्मल वो सिर्फ हमने इसी तरीके से इसको इन वाले क्वेश्चंस को लिया है बिकॉज ये बिल्कुल आपके जर्नल एनटीए क्या करता है हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ के चले जाते हैं और बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं प्रेफर करूंगी अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हो पाएंगे So, next question is adjacent hue on the color wheel creates and dash color scheme. दोबारा हम color scheme की बात कर रहे हैं Adjacent hue, adjacent color जो होता है हमारे color wheel के ऊपर क्या create करता है Split, complementary, analogous या trade हमें पता है that is analogous. Clear? आपके साथ वाले neighborhood आपके analogous में आते हैं टेट्राड इज अदरवाइज नोन एज हम टेट्राड को दूसरा नाम क्या देते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री या ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट्री वी नो इट्स डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री को हम टेट्राड बोलते हैं वेन टू फोर्स ऑपरेट इन ऑपोजिट कॉज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस इज कॉल्ड जब दो फोर्सेज क्लियर दो फोर्सेस और एक दूसरे के ऑपोजिट काम करती है ना डिफरेंस पे तो उसको क्या बोलते हैं स्प्लिट कंट्रास्ट मोनोक्रोमेटिक या ट्रेड वी नो कंट्रास्ट अब दो चीजें ऑपोजिट भी इन्होंने बोल दी है मोनोक्रोमेटिक तो हमारा ह्यू इंटेंसिटी और वैल्यू डायमेंशंस जो है कलर की वो जस्टिफाई करता है स्प्लिट का मतलब वो बट जाता है जैसे मैंने आपको स्प्लिट एंड्स का एग्जाम्पल दिया था आपके हेयर्स के लिए ट्रेड हमें पता है तीन चीजों को इक्विडिस्टेंस पे मिला के कोई भी चीज बनती है तो यहाँ पर क्या चीज आएगा कंट्रास्ट ऑपोजिट होता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप दैट हैज फुलनेस एट द बस्ट एंड हिप एंड फिट एट द वेस्ट इज कॉल्ड अब देखिए क्वेश्चन वही लेकिन घुमा के आ गया आपके पास तो फुलनेस बस्ट और हिप पे रहेगी वेस्ट हमारी फिटेड रहेगी कौन सी होती है दैट इज आर ग्लास So our next question is dash is a connection between two points. दो points के बीच में connection कैसे होता है line, sign, circle या फिर print से So हमें पता है line एक दो points को आपस में मिलाती है that is connection between two points अगर दो points के बीच में हम connection बिठाते हैं तो वो line से बिठाते हैं A color scheme where a garment design rests on one hue and its value is called an. अब देखिए दोबारा से हमारा सेम एज द कलर क्वेश्चन आ रहा है मतलब आपकी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आ रहा है सो कलर स्कीम है जहां पर गार्मेंट डिजाइन एक ह्यू मतलब एक कलर और उसकी वैल्यू के साथ काम करता है एनालोगस मोनोक्रोमेटिक स्प्लिट या फिर ट्राइड दैट इज मोनोक्रोमेटिक में ही मैंने आपको बताया था ना मोनोक्रोमेटिक के अंदर वैल्यू या उसकी कोई भी ह्यू वैल्यू या उसकी इंटेंसिटी काम करती है एक ही कलर की सो नेक्स्ट क्वेश्चन द कलर डैश कलर आर नॉट फाउंड ऑन द कलर व्हील कौन से कलर कलर व्हील पे दिखते ही नहीं डल न्यूट्रल ब्राइट या शार्प वी नो न्यूट्रल कलर्स कौन से थे हमारे ग्रे व्हाइट और ब्लैक तो आपने देखा था कलर व्हील पे ये वाले कलर्स नहीं अवेलेबल थे द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है फिर हमें पता है हमारी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे आती है यूनिटी हार्मनी फोकल पॉइंट या डिस्टेंस पॉइंट दैट इज विद फोकल पॉइंट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जैसे सन की रेज की बात हमने आपको की थी एक बेसिक तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारा सन था द फैशन सिल्वेट्स दैट टेक द शेप ऑफ एन ओब्लॉन्ग रेक्टेंगल
एक फैशन सिल्वेट्स है, सिल्वेट मतलब आउटलाइन है, वो एक ओब्लोंग रेक्टेंगल की फॉर्म ले लेती है, तो उसको क्या बोलेंगे? ए लाइन में हमें पता है देखो कि ऊपर से कम होगा नीचे से ज्यादा होगा, ट्यूबलर के अंदर कैसा होगा वो स्ट्रेट होगा, और आर ग्लास हमें पता है, आर ग्लास जो बॉडी फिगर है वो बीच में से कम होगी ऊपर नीचे से चौड़ी रहेगी, और वेज आपने हील्स, वेज हील्स सुना होगा जिसके अंदर भी हमारा क्या होता है ऊपर से चौड़ी होती है नीचे से कम होती है, सो रेक्टेंगल शेप हमारी ट्यूबुलर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिल्वेट्स हैव ग्रेटर विड्थ एट शोल्डर टैपिंग टू नैरो एट द हेम इज कॉल्ड डैश शेप। जो ऊपर से चौड़ी और नीचे से कम होती है, अभी हमने आपको बताया था दैट इज आर वेज शेप, ये आपकी वेज हील भी मिलती है मार्केट में। डैश इज द मोस्ट डोमिनेंट विजुअल एलिमेंट ऑफ द गार्मेंट एंड द फर्स्ट थिंग विजिबल फ्रॉम द डिस्टेंस। अब एक ऐसा हमारा मेन एलिमेंट गार्मेंट का जो सबसे पहले बहुत डिस्टेंस से हमें दिखता हो, सिल्वेट्स लाइन टेक्सचर या यूनिटी, दैट इज सिल्वेट्स, बाहर की आउटलाइन दिखती। अगर यहाँ पर कलर होता तो कलर हमें विजिबल होता ही, लेकिन यहाँ सिल्वेट्स है तो सिल्वेट्स आएगा। एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर, कौन सी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन? ऑफ शोल्डर, वी नेक, काउल या बटन। सो वी नो ऑफ शोल्डर्स जो है हमारी, ऑफ शोल्डर होता है ना, ऑफ शोल्डर का मतलब कि आपकी शोल्डर से नीचे की तरफ बाजू पे आपकी जो आपका ट्यूब होता है वो रखा रहता है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है। डैश लाइंस कैन बी फाउंड इन हेम, नेक लाइन, कर्व्स। कौन सी लाइंस होती है हमारी? हेम, नीचे हेम पे, या फिर नेक लाइन कर्व्स पे। अब नेक लाइन कर्व्स पे तो हमें पता चल गया डायगोनल, स्ट्रेट, कर्व्ड या जिगजैग, दैट इज कर्व्ड लाइंस, कर्व होता है हमारा नेक लाइन पे। ह्यू इंटेंसिटी वैल्यू आर द थ्री डिफरेंट डैश ऑफ कलर्स, ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, रेंज, डायमेंशन, नंबर या रिफ्लेक्शन, सो दैट इज डायमेंशन। द एडिशन ऑफ ग्रे कलर प्रोड्यूस, अगर ग्रे कलर मैंने डाल दिया तो क्या प्रोड्यूस होगा? शेड, टिंक, टोन या कलर? तो टोन प्रोड्यूस होगी हमारी। देयर आर कितने प्राइमरी कलर्स होते हैं? तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं। कितने सेकेंडरी कलर्स होते हैं? तीन सेकेंडरी कलर्स होते हैं। कितने टर्शरी कलर्स होते हैं? तो छह टर्शरी कलर्स होते हैं। तो टोटल कलर व्हील में कलर्स कितने हो गए? 3 + 3 + 6, दैट इज आर 12 कलर्स। रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, येलो ऑरेंज आर एग्जाम्पल ऑफ किसके हैं? देखिए ये अब क्या है, ऑरेंज है और उसके दोनों साइडों की है, तो नेबरहुड कलर्स है। किस में आता है? मोनोक्रोमेटिक में नहीं आएगा, एनालोगस में आएगा, ट्रेड में नहीं आएगा और स्प्लिट में नहीं आएगा, दैट इज एनालोगस इज आंसर। शेड एंड टिंक्ट ऑफ पिंक इज अ एग्जाम्पल ऑफ, अगर शेड और टिंक्ट की बात करें पिंक की तो किसका एग्जाम्पल होगा? हमें पता है मोनोक्रोमेटिक का एग्जाम्पल होगा। रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ, लाल और हरा हमारा किस चीज का कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है? कॉम्प्लीमेंट्री का, क्रोमेटिक, वार्म या स्प्लिट। तो हम जानते हैं कि कहाँ होते हैं ये हमारे? ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। रेड और ग्रीन कहाँ होते हैं? ऑपोजिट होते हैं, सो वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा हमारा। येलो विद रेड वॉयलेट एंड ब्लू वॉयलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब इसमें आपको क्या करना है, जो हमने आपको फर्स्ट आपको कलर्स के अंदर कलर व्हील दिखाया था, तो आपको ना कलर व्हील बना लेना। अगर आप कलर व्हील बना लोगे तो आपको इजीली ये पता होगा कि वो कौन से कलर्स हैं हमारे। येलो विद रेड वॉयलेट एंड ब्लू वॉयलेट इज एन एग्जाम्पल हो ऑफ, अब देखिए रेड वॉयलेट इस एक तरफ होगा, ब्लू वॉयलेट एक तरफ होगा, क्लियर, और येलो ऑपोजिट में रहेगा, तो ये क्या बना रहा है हमारा? ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, क्योंकि ऑपोजिट के साइडों के कलर्स उठाए हैं इन्होंने। बीच में कौन सा हमारा? वॉयलेट है, एक तरफ हमारा रेड वॉयलेट है, मतलब उसके उधर हमारा रेड है, और इधर हमारा ब्लू वॉयलेट है, मतलब उसके इधर हमारा ब्लू है, और ब्लू है, और ऑपोजिट हमारा वॉयलेट के ऑपोजिट क्या होता है? येलो कलर होता है। रेड, येलो एंड ब्लू आर द स्कीम ऑफ, कौन सी होती है? ट्रेड, स्प्लिट, कॉम्प्लीमेंट्री, टेट्रा या एनालोगस। तो येलो, रेड और ब्लू हमारी ट्रेड बनाती है, ठीक है, बिकॉज आपको पता है हमारे रेड, येलो और ब्लू कौन से कलर्स हैं हमारे? प्राइमरी कलर्स हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, प्राइमरी कलर्स ट्रेड बनाता है, सेकेंडरी कलर ट्रेड्स बनाता है, टर्शरी कलर्स ट्रेड बनाता है। नेक्स्ट है डैश कलर मेक द ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर एंड फर्दर, अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था कि जब आप छत लेटते हो तो आपकी छत कैसे दिखती है आपको? तो कूल, कूल हमारा, क्योंकि वो कूल कलर्स है, कूल दिखती है हमें हमारी छत। डैश यू मेक द ऑब्जेक्ट अपियर लार्जर और क्लोजर, मतलब वार्म दिखती है। डार्क कलर मेक द फिगर अपियर डैश एज कंपेरेटिव टू लाइट कलर, डार्क कलर्स कैसे दिखाते हैं हमारी अपियरेंस को? फैट, स्लिम, प्लम या शॉर्ट, हमारी स्लिम, डार्क कलर्स। अगर आपको पता है ब्लैक पहनते हैं अगर, तो कहते हैं ना ब्लैक पहने कोई मोटा इंसान भी तो वो पतला दिखता है, तो डार्क कलर्स स्लिम हमें प्रेजेंट करते हैं।
लार्ज एंड बोल्ड प्रिंट्स आर सुटेबल ओनली फॉर डैश फिगर्स. बड़े और बोल्ड प्रिंट्स किस चीज के लिए सुटेबल होते हैं? टॉल और स्मॉल, फैट और शॉर्ट, स्लिम और शॉर्ट, या शॉर्ट और शाउट. सो वी नो कि टॉल और स्लिम के लिए. बड़े जो और बोल्ड बोल्ड हमारे प्रिंट्स होते हैं वो कोई भी स्मॉल हो, वरना अगर देखो कोई स्लिम ना हो और फैट हो तो उसके ऊपर वो भद्दे और बड़े लगेंगे. डैश इज बेसिक प्रोपोर्शन. बेसिक प्रोपोर्शन हमारी का हमारा बॉडी का क्या चीज़ होगी? 10, 15, 12 इन रेशो 5, 8, 13, 3, 6, 9 और 3, 5, 10. सो आंसर इज 5, 8, 13. क्रोमा डिस्क्राइब डैश ऑफ कलर. क्रोमा किस चीज को बोलते हैं? डलनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस या प्योरिटी को. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ब्राइटनेस को हम क्रोमा बोलते हैं. आपने अगर अपने ये जो इतनी सारी एप्स होती है आपके फोन में, पिक्स आर्ट हो गई, ब्यूटी प्लस हो गई, ये तो वो क्रोमा और ब्राइटनेस को ही एनहांस करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू चेंज द वैल्यू ऑफ कलर डैश मस्ट बी एडेड. सो ऑप्शंस है हमारे यहाँ पर. क्या ऐसा, पहले तो क्वेश्चन है कि जो चेंज करता है वैल्यू ऑफ कलर्स को, तो हमें क्या ऐड कर देना चाहिए? वैल्यू और इंटेंसिटी डायमेंशंस होते हैं. क्या चीज़ हम करना चाहिए? वाइट ब्राउन, ब्राउन ग्रे, वाइट ब्लैक या ब्लैक ग्रे. सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वाइट और ब्लैक से ही हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपने कलर की. If you wish to increase the body size, choose dash. अगर हमें अपनी body size को increase करना है, मतलब appearance को increase दिखाना है, तो हमें cool hue, warm hue, shades या dark colors कौन से use करने चाहिए? Warm hues. Next question, if you wish to decrease the size, तो हमें पता है हमें cool hues को choose करना चाहिए, cool colors को choose करना चाहिए. CAUS abbreviation किस चीज के लिए यूज होती है? कलर एक्सेप्टेंस यूनाइटेड सर्विस, कलर एसोसिएशन यूनिटी सर्विस, कलर एक्सेप्टेंस द यूनाइटेड स्टेट्स, या कलर एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. करेक्ट ऑप्शन इज कलर एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. डैश कलर आर मिक्सड अप ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी विद ग्रे टू टोन दैम डाउन. अब हमें क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को ग्रे के साथ, उसकी टोन को क्या करने चाहिए, टोन को डाउन करने के लिए. तो ब्राइट टिंट, म्यूटेड या शेड्स. तो करेक्ट ऑप्शन है म्यूटेड कलर्स हमारे बन जाएंगे. ग्रे हम ऐड कर देते हैं ना, है ना, हमारे न्यूट्रल कलर्स के अंदर को हम करते हैं, तो वो म्यूटेड कलर्स बन जाते हैं, बहुत लाउड या लाइट नहीं बनते. द वैल्यू ऑफ एस्थेटिक डिजाइन आर कॉल्ड. जो वैल्यू होती है एस्थेटिक डिजाइन की, उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एलिमेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, या अट्रैक्शन ऑफ द डिजाइन. सो करेक्ट ऑप्शन इज एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन. एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट इज एग्जाम्पल ऑफ. जो एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस सूट होता है, जैसे आपने कल्पना चावला का जो सूट होगा वो देखा होगा, नीलाम, है ना, तो स्पेस का बेसिकली, तो वो किसके एग्जाम्पल है? सर्फेस ऑर्नामेंटेशन, फंक्शनल आर्किटेक्चर डिजाइन या हाई डिजाइन. करेक्ट ऑप्शन है फंक्शनल डिजाइन की, जिस तरह का फंक्शन उसको परफॉर्म करना है उस तरह का वो कपड़े होंगे. डैश इंडिकेट अ स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू द एलिमेंट ऑफ. सो क्या चीज इंडिकेट करती है? स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द एलिमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियम, मीडियल लाइन के. तो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस मतलब क्या, कि एलिमेंट्स के साथ बिल्कुल एज इट इज वर्क करती है. असिमेट्रिक, सिमेट्रिक, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल. करेक्ट है सिमेट्रिक. सिमेट्री आती है हमारी किसके साथ? हमारी जो भी एक लाइन ऑफ फॉर्म चल रही होती है प्रोडक्ट की, उसके साथ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक सिमेट्री के अंदर वर्क करते हैं, स्ट्रिक्ट सिमेट्री के अंदर वर्क करते हैं. सिमेट्री इंडिकेट करती है. डैश लाइन्स एड सॉफ्टनेस एंड राउंडनेस टू द गार्मेंट. क्या चीज सॉफ्टनेस और राउंडनेस हमारे गार्मेंट में ऐड करती है? ज़िगज़ैग, डायगोनल, कर्व्ड या हॉरिजॉन्टल. सो हमें पता है सॉफ्टनेस क्या, कर्व लाइंस जो होती है, फेमिनिस्ट लाइंस जो होती है, फेमिनिटी को डिफाइन करती है हमारी कर्व्स लाइन. वेरी वाइड वर्टिकल स्ट्रिप्स मे गिव द इंप्रेशन ऑफ एड. बहुत चौड़ी चौड़ी हमारी वर्टिकल सीधी लाइन, लेंथ वाइज लाइन क्या करती है? विड्थ देती है, लेंथ देती है, स्ट्रेंथ देती है या एंगल देती है? सो वो विड्थ देती है, क्योंकि वो चौड़ी होगी ना, चौड़ी वर्टिकल लाइन्स हो गई हमारी, तो वो विड्थ को, विड्थ के इंप्रेशन को ऐड करती है. अगर यहीं पर ये वाइड की बजाय नैरो होती तो ये हमारी लेंथ को जस्टिफाई करती.
सेफ्टी. पुअरली प्लान डैश कंफ्यूजेस द ऑब्जर्वर एज आई डू नॉट नो वेयर टू फोकस. अगर हमने पुअरली क्या प्लान किया होगा जिसकी वजह से जो इंसान देख रहा है उस गारमेंट को, उस डिजाइन को, उसको फोकस पॉइंट क्या रखे उसको समझ ही नहीं आ रहा. एम्फोसाइज, प्रोपोर्शन, बैलेंस या लेंथ. सो करेक्ट ऑप्शन है एम्फोसाइज, क्योंकि एम्फोसाइज ही हमारा क्या था, लास्ट था ना एलिमेंट में, कि वो कहाँ पर फोकस पॉइंट रखे, कहाँ पर देखे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी शेप हैज वाइड शोल्डर एंड स्मॉल हिप. तो वाइड शोल्डर है, हिप स्मॉल है, क्या बना रहा है आपका. ऐसे में जब ऐसा बोले तो आप ह्यूमन फिगर को समझ के अपनी कॉपी पे शेप भी बना सकते हैं. सो व्हाट, इन्वर्टेड ट्रायंगल बना रहा है, ऑपोजिट ट्रायंगल बना रहा है, इन्वर्टेड प्रिज्म बना रहा है, पिरामिड बना रहा है, लेकिन इन्वर्टेड. स्ट्रेट लाइंस आर, स्ट्रेट लाइंस कैसी होती है, सॉफ्ट कर्व, रिजिड क्रिम्प, क्रिम्प कर्व्ड या कर्व्ड बल्कि. सो स्ट्रेट लाइन हमारी रिजिड और क्रिस्प होती है. बेज इज अ डैश कलर. बेज कलर कैसा होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं. न्यूट्रल, डार्क, एनालॉगस या मिक्स. सो न्यूट्रल कलर होता है बेज कलर हमारा. अ ग्रेजुअल चेंज इन कलर वैल्यू फ्रॉम डार्क टू लाइट इज कॉल्ड. कहाँ पढ़ा था, रिदम में पढ़ा था. रिदम के अंदर भी क्या पढ़े थे, तीन चीजें पढ़ी थी रिदम में, ग्रेडेशन, रिफ्लेक्शन और रेडिएशन. रेडिएट मतलब सन का एग्जाम्पल दिया था फोकल पॉइंट से, रिफ्लेक्ट मतलब कोई भी चीज हमें रिफ्लेक्ट कर रही है, वो रिपीटेशन थी. और ग्रेडिएशन क्या होती है, और कॉम्बिनेशन हमारा ग्रेडिएशन होता है जिसके अंदर हम लाइटनेस से डार्कनेस, थिक से थिन या थिन से थिक, या शेप्स के अंदर चेंजेस लेके आते हैं. इफ यू आर शॉर्ट एंड out and want to appear tall and more slender, you may wear. अगर हमारी हाइट छोटी है और मोटे से हैं हम थोड़े से, और हमें लंबा और ज्यादा स्लेंडर लगना है, तो हम क्या पहनना चाहिए, गैदर्ड स्कर्ट और ब्लाउज पहनना चाहिए, वाइडली प्लीट स्कर्ट्स और ब्लाउज पहनना चाहिए, फुल लेंथ ड्रेस कट विद प्रिंसेस लाइन पहनना चाहिए, फुल लेंथ ड्रेस विद शॉर्ट बॉक्सी जैकेट पहननी चाहिए. सो करेक्ट ऑप्शन है फुल लेंथ ड्रेस पहननी चाहिए और प्रिंसेस लाइन, क्योंकि वो हमें ऊपर से क्या देगा, एक फिटिंग देगा, और नीचे से वो लेंथ हमारी लंबी करेगा. हॉरिजॉन्टल लाइन इन गारमेंट्स विल सूट. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन गारमेंट है वो किस किस वुमेन को सूट करेगी, टॉल और थिन को, शॉर्ट और ओबीज को, टॉल और ओबीज को, या नन ऑफ दीज को. सो टॉल एंड थिन वुमेन को वो अच्छी लगेंगी. इन डिजाइन ग्रीक प्रोपोर्शन इज 3:5, 5:8, 3:7, 7:10, 1:1, 2:2, 2:4 या 4:7. करेक्ट ऑप्शन इज 3:5 and 5:8. इस तरह के वैसे बेसिक से प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन हमने आज तक नहीं देखे हैं. सो नेक्स्ट, टू डिजाइन अ कॉस्ट्यूम फॉर टॉल एंड थिन गर्ल यूज. अगर हमें एक कॉस्ट्यूम बनाना है लंबी और पतली लड़की के लिए, तो हम कौन सी स्कीम को यूज करेंगे, मोनोक्रोमेटिक को, एनालोगस को, कॉम्प्लीमेंट्री को या ट्रेड को. सो हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को, ऑपोजिट कलर्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ना तो वो पतली भी है और लंबी भी है, तो हम कैसे भी कलर्स ले सकते हैं. अ कलर स्कीम इज कॉल्ड स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम. व्हेन, कलर स्कीम को हम स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलते हैं, जब उसमें कौन से कलर्स होते हैं. आप देखो कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट हो गए, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारी ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री के साइडों के कलर्स है, तो आप इसको बना सकते हैं पहले, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन कलर्स को भी आप अपना कलर व्हील को बना सकते हैं. सो रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, ब्राउन एंड येलो, गोल्ड आर यूज टुगेदर ऑन अ लेमन येलो बैकग्राउंड, क्लस्टर ऑफ वायलेट एंड ग्रीन लीव्स आर यूज्ड. अब कंफ्यूजन दे रखी है देखो इन्होंने, क्योंकि इन्होंने लीव्स हो गया या फिर हमारे बैकग्राउंड, ये सब वर्ड्स यूज कर दिए. येलो इज यूज विद रेड वायलेट एंड ब्लू वायलेट, याद है अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ये सेम. और ऑप्शंस जो वहां पर क्वेश्चन था उसको यहाँ पर ऑप्शंस में दे दिया, और जो आंसर था उसको यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया. येलो विद ग्रीन एंड रेड. सो करेक्ट ऑप्शन इज येलो इज यूज्ड विद रेड वायलेट एंड ब्लू वायलेट, क्योंकि येलो और वायलेट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और वायलेट के साइडों में स्प्लिट क्या आता है, रेड वायलेट और ब्लू वायलेट. When two or more complementary colors are used together in a design, each color appear. जब दो या दो से ज्यादा complementary color का हम इस्तेमाल करेंगे design में, तो color कैसे होंगे, brighter, duller, darker या फिर lighter, हमारे bright colors होंगे. हम complementary use कर रहे हैं ना, bright colors use कर रहे हैं, एक दूसरे के opposite कर रहे हैं. जो introvert personality होती है, introvert और extrovert क्या होता है, introvert होता है जो अंदर ही अंदर रहता है, जिसको बाहर socially होना पसंद नहीं है. extrovert on the other hand जिसको बाहर बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना. तो यहाँ introvert पर्सनैलिटी होती है जिनकी,
किसको वो फेवर करते हैं, उनको क्या किस तरह के कलर्स पहनना अच्छा लगता है, डल कलर, न्यूट्रल कलर, ब्राइट कलर या नन ऑफ दीज। सो उन्हें डल कलर्स पहनना अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते। स्पेस स्क्वायर शेप फेस पीपल शुड अवॉइड, जिनका स्क्वायर शेप हो फेस उनको कैसी नेक लाइन को अवॉइड करना चाहिए, स्क्वायर, बोट, वाइड या ऑल ऑफ द अबव। सो उनको बोट शेप की जो होती है नेक लाइन उसको अवॉइड करना चाहिए। अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइन कलर फॉर्म एंड स्पेस फॉर्म, अगर हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट हो लाइन कलर फॉर्म और स्पेस का तो क्या बनाता है वो, प्लीट, पैटर्न, डिजाइन या फिर नन ऑफ दिस, वो डिजाइन क्रिएट करता है। शॉर्ट एंड शाउट वुमेन शुड नॉट यूज, उस अगर कोई शॉर्ट और शाउट वुमेन है उसको क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, बिग चेक्स, बिग पोल्का डॉट्स या ऑल ऑफ द अबव। सो उसको ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल में वो और मोटी लगेगी और यू नो फैली हुई लगेगी, बिग चेक्स में भी नहीं, शॉर्ट के ऊपर बिग नहीं अच्छा लगता और बिग डॉट्स भी नहीं अच्छी लगेंगी। द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन प्रोपोर्शन इज नोन एज, हम इसको और क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ ब्यूटी, लॉ ऑफ रिलेशन, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट या नन ऑफ दिस। सो ये हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ रिलेशन, क्योंकि आपस में रिलेट करते हैं हम, रिलेशन देते हैं। बैलेंस इन एनी डिजाइन गिव फीलिंग ऑफ, अगर बैलेंस हो किसी भी डिजाइन में तो क्या फील देता है, रेस्ट एंड पीस, रेस्टलेसनेस, एक्टिवनेस या नन ऑफ द अबव। सो वो हमें रेस्ट और पीस देता है, अच्छा फील कराता है। प्रोटीन फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज, प्रोटीन फाइबर्स को हम क्या नाम देते हैं, एनिमल फाइबर, मैनमेड फाइबर, मिनरल फाइबर या वेजिटेबल फाइबर। ये आपका वैसे टेक्सटाइल्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। सो इनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल फाइबर्स होते हैं क्योंकि हमारे प्रोटीन्स किसी भी बालों से मिलते हैं ना। तो एनिमल फाइबर्स में कौन कौन से होते हैं, हमारे वूल फाइबर और सिल्क फाइबर। और वूल हमारा कहाँ से मिलता है, शीप की स्किन से, उसके हेयर से, और हमारा सिल्क कोकून से। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे इज, जो भी हमारा टेक्सटाइल्स का है, द फॉलोइंग इज अ लीफ फाइबर, लीफ फाइबर कौन सा है, क्वायर, कपूक, कैनेफ या फिर पाइना। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है पाइना, जो हमारा लीफ फाइबर है। इसकी भी वीडियो आप हमारे आप लिख सकते हैं लीफ फाइबर KMS फैशन, तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। सो होपफुली आपको ये 100 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। तो इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आप और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि और लेके आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर ये भी बताया कीजिए कि अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है, तभी हम इस तरह की और वीडियोज़ लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।